अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के चार दिन बीत चुके हैं, शाइस्ता का अब तक पता नहीं चला है। अशरफ की जुबान पर जिस गुड्डू मुस्लिम का आखिर में नाम था उसका भी अता पता नहीं, लेकिन तीन शूटर जरूर गिरफ्त में हैं और एक किरदार है, नाम है मोहम्मद मुस्लिम। इन चार किरदारों के बीच देश के सबसे बड़े हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। क्या गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद मुस्लिम, जो अपराध से लेकर अपराध से पैदा हुए पैसे से जुड़े कारोबार में अतीक अहमद के साथ रही वही दगाबाज बनकर अतीक अशरफ हत्याकांड के सूत्रधार भी बने, क्या तीन शूटर जिन्होंने कॉल्विन अस्पताल में अतीक अशरफ को गोलियों से भूना, उन शूटर पर भी हमला हो सकता है? और क्या शाइस्ता परवीन यानी अतीक की पत्नी, जिसकी तलाश चार राज्यों में हो रही है, वो भी प्रयागराज में ही छिपी है? इन चारों खबरों के हर पहलू से आपको खबरदार हम करने वाले हैं। हत्याकांड के चार दिन, हर खबर पर हम आपको खबरदार कर रहे हैं। ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। अब वक्त है आपको सीधे अब तक की पांच बड़ी खबरों से खबरदार करने का। पहली बड़ी खबर है कि अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच करती एसआईटी की टीम ने 40 सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं, जिनसे पता चलेगा कि शूटर किस रास्ते से आए और क्या हमले के वक्त कोई चौथा भी इनका साथी या मास्टरमाइंड मौजूद था। खबरदार करती दूसरी बड़ी खबर यह है कि चार दिन की पुलिस रिमांड में तीनों शूटर भेज दिए गए हैं, जिनके साथ एसआईटी जल्द ही कॉल्विन अस्पताल जाकर पूरे हत्याकांड का रिक्रिएशन करा सकती है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि फरार गुड्डू मुस्लिम इस वक्त दावा है कि अतीक विरोधी गैंग के संपर्क में आ चुका है। चौथी बड़ी खबर यह है कि फरार शाइस्ता प्रयागराज के ही कछार इलाके में हो सकती है। खबर आई है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के साथ ही शाइस्ता छिपी हुई। पांचवी बड़ी खबर यह है कि शाइस्ता के साथ ही आयशा नूरी, जो कि अतीक की बहन है, वो भी छुपी हुई है। दावा है कि इनके साथ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं जो लगातार बुर्का पहनकर रहती हैं और ये लोग रोज मोबाइल भी बदलते हैं, सिम कार्ड भी बदलते हैं। इन पांच अपडेट के बाद अब बता दें कि आज सुबह एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में कौन था, क्या कहा गया, इसकी जानकारी हमने इकट्ठा की है। ये मीटिंग आने वाले वक्त में बड़ी खबर देने वाली है। गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन और बचे हुए शूटर्स को पकड़ने के लिए एक बड़ी बैठक आज हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ये बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश और यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ प्रयागराज के अधिकारी जुड़े रहे। इस मीटिंग के बारे में जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है वो यही कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को लेकर जल्द एक्शन के लिए कहा गया है, साथ ही अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े शूटर से पूछताछ के बारे में अपडेट लिया गया। आज तक से बातचीत में यूपी एसटीएफ चीफ बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना, जिसके बारे में अब शक यह भी जताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक का करीब देख अपनी जान बचाने के लिए धोखा दे दिया। चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। गुड्डू मुस्लिम फरार है, ये कई बार बहुत ही नैरोली मिस हुआ है और अब ये हमारी एसटीएफ की और टीमें लगी हुई हैं। वह स्वयं में भी क्राइम करने में सक्षम है, अकेले भी क्राइम करने में सक्षम है। गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल हत्याकांड में यू बम फेंक कर फरार हुआ, जो कहा जाता है कि चलते चलते बम बनाकर लोगों को मारने की कुव्वत रखता है, उसी गुड्डू मुस्लिम ने क्या अतीक से गद्दारी की? सवाल की वजह ये, अतीक का घर गिरा, अतीक के दूसरे साथियों का घर गिरा, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का ये गुलाबी रंग वाला घर अब तक नहीं गिरा। क्या गुड्डू मुस्लिम पुलिस का मुखबिर बना? क्या गुड्डू मुस्लिम नहीं असद की खबर दी और एनकाउंटर कराया? क्या गुड्डू मुस्लिम नहीं अतीक का द एंड कराया? ठीक 15 दिन पहले यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस चस्पा करा था, जिसके हिसाब से 15 दिन के अंदर उसके या उसके परिवार वालों को जवाब लगाना था कि क्यों उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए। लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर स्वयं ध्वस्त कर लें अपना ये मकान। गुड्डू मुस्लिम के इस घर को गिराने के लिए नोटिस 18 अप्रैल तक का ही। क्या अब गुड्डू मुस्लिम का घर गिरेगा या फिर गुड्डू मुस्लिम ने कोई डील की? इस सवाल का जवाब खोजें, उससे पहले देखिए गुड्डू और अतीक का रिश्ता। सूत्र कहते हैं कि अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के जरिए कई इलाकों की जमीन पर कब्जा कर उस इलाके को ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने में जुटा। गुड्डू के जरिए अतीक इलाहाबाद के करेली में शूटर के साथ मुस्लिमों को बसाकर इलाके की डेमोग्राफी बदलने में जुटा था। ऐसा करके गुड्डू मुस्लिम के जरिए अतीक अहमद चुनाव में अपना दबदबा और अपने अपराधियों की सुरक्षा चाहता था।
इसीलिए माना जाता है कि गुड्डू बमबाज ने अगर अतीक को भी धोखा दिया है तो भी जरूरी है कि इस अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये खुद में एक खतरा है। इम्पोर्टेंट एसोसिएट क्राइम में गुड्डू मुस्लिम अवश्य है, वह स्वयं में भी क्राइम करने में सक्षम है, अकेले भी क्राइम करने में सक्षम है। बमबाज है वो, उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पर चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। ये स्किल्स वाले प्रयागराज में इस प्रकार के लोगों को बमबाज कहा जाता था। और अगर ये जल्दी ही गिरफ्तार नहीं होता है तो ये एक थ्रेट बना रहेगा। गुड्डू मुस्लिम पर क्यों अतीक से गद्दारी के लक्षण माने जा रहे हैं? वो लक्षण ये हैं कि गुड्डू मुस्लिम दावा है कि खुद को बचाने के लिए अतीक विरोधी गैंग के संपर्क में आया। गुड्डू मुस्लिम पहले झांसी जाता है, फिर असद झांसी पहुंचता है, लेकिन मारा सिर्फ असद और गुलाम जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बड़े शूटर और अपराधी मारे गए, जो बचे हैं वो सिर्फ मोहरे हैं, लेकिन गुड्डू जो बड़ा अपराधी है वो भी अब तक बचा हुआ है। सवाल है, क्या गुड्डू मुस्लिम का अब घर गिरेगा या फिर गुड्डू की तरह घर भी बचा रहेगा? इस मकान को ध्वस्त करना भी अपने आप में चैलेंज है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हाथ से जो निर्माण है उसे तोड़ा जाता है। तो आज 18 तारीख को ये वक्त है कि जब ये जो पूरा समय था गुड्डू मुस्लिम के साथ वो खत्म हो गया है, ना परिवार वालों ने जवाब लगाया और ना किसी ने, तो ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की तलाश का फोकस अभी गुड्डू बमबाज पर ही है। इसकी गिरफ्तारी के ही साथ साफ होगा कि ये गद्दार है या सिर्फ फरार है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सिमर चावला, प्रयागराज आज तक।